डालू 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 मांगेंगे। उसका नाम गांधी है और गांधी और आंधी भैया कभी रुकते नहीं। जब तक गांधी के सहारे बसते रहेंगे, गांधी के नाम का सहारा लेते रहेंगे, जब तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के सवाल पूछना नहीं। आज बस में आ रहा था, सुनो भैया एक बंदा पोस्टर दिखाने लगा, कह रहा सुना है मोदी का विरोध करते। हमने कहा नहीं, मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने भी पोस्टर लगाया होगा मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हमने कहा हाँ। अब केजरीवाल को पता नहीं कौन सी चुल्ल मची है, मोदी जी डिग्री दिखाओ, मोदी जी डिग्री दिखाओ। उसने भाई पहले ही बोला है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कहा जरूरत है केजरीवाल, कहा जरूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, हैं लौह पुरुष हैं, और तुम उनकी डिग्री मांग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कहाँ है केजरीवाल? तुम्हारी तो सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर देते हो, अपमान है नहीं है? और प्रधानमंत्री का भी रद्द होनी चाहिए सदस्यता। ऐसा चुनाव आयोग कहता है कि अगर डिग्री नहीं है, फर्जी कोई दिखाता है या संपत्ति कम दिखाता, तो भैया उसकी डिग्री रद्द होनी चाहिए। चुनाव आयोग वाले सुकुमार सेन जी, रद्द कर दीजिए डिग्री उग्री प्रधानमंत्री को रद्द। अब कोई दूसरा लौह पुरुष ढूंढिए, मिलेगा? 56 इंच वाला यही है। अब 56 इंच वाले की जैसे डिग्री निकलती है, दुख 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 होने लगता है सब कुछ। डिग्री में कमी भैया, देश का प्रधानमंत्री, आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो? यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो? हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच वाला प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी से पढ़ता है। अरे बेशर्मो, किसी का प्रधानमंत्री पढ़ा है किसी के देश का? तभी तो लोग कांपते हैं उससे। पाकिस्तान तभी तो कांपता है, चीन तो तभी तो कांपता है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी और कौन सी सिटी में पढ़ा है? अच्छा, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमारा प्रधानमंत्री पढ़ता है, तभी तो उसका 56 इंच का सीना हो जाता है। ए महाराज, हमें भी उसी वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हमारा भी 56 इंच का सीना हो जाए। केजरीवाल के पास जाइए, केजरीवाल के पास आरोप लगाओ। आरोप भैया जो उसने सही बोला कि डिग्री लगेगा तो हम भरेंगे, जेल जाओगे तो हम भरेंगे। हाँ, केजरीवाल ने तो ये बात बोली है कि हाँ कोई जेल जाएगा तो मैं छुड़ाऊंगा, अच्छा वकील दूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। लेकिन मोदी जी पे उन्होंने आरोप लगाई है भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ। पहले उसने बोला है मैं अनपढ़ हूं। मोदी जी पे आरोप लगाते हैं तो अगर अगर आप जेल गए तो केजरीवाल थोड़ी नहीं आपको बचाएगा, आप भी विरोध कर रहे हैं भाई। क्यों नहीं बचा? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नहीं बचाओगे, देश की एक एक जनता मुझे बचाएगी, मुझे तो देश की एक एक जनता बचाएगी, लेकिन मोदी को कौन बचाएगा? 24 भैया, मोदी जी आपकी डिग्री कहाँ यूनिवर्सिटी वाली? एक चीज बताइए भैया, मैं यहाँ पे दिल्ली में सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ा हूँ। अगर मैं कोई नेता अभिनेता या कुछ बनता हूँ ना, तो हमारे स्कूल को या जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उनको गर्व होगा, हमारा पढ़ाया हुआ ओझा बड़े पद पे बैठा है। गुजरात यूनिवर्सिटी शर्मा रही है, यूनिवर्सिटी जो है डिग्री दिखाने में घबरा रही है। कहे भैया, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वो स्कूल में पढ़ने थोड़े कॉलेज। अमित शाह ने दिखाया भाई, मैं दिखाता हूँ क्या दिखाया। देखो ये क्या है, इस लिपि का आविष्कार कब हुआ था? अरे तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, 56 इंच का सीना नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। अगली बार है पत्रकार महोदय, अगली बार आप नाप के आइए, 56 इंच का है 6 इंच का है, मुझे तो भैया 6 इंच का लगता है। पूरे देश में हम तो भैया अडानी जी के रोड पे चलते हैं, आप लोग किसकी रोड पे चलते हो बताओ? अडानी रोड से लग रहा है क्या? है? रोड बना के अडानी को बेच दिया, जेल बना के अडानी को बेच दिया, तेल बना के किसको किसको मिला आपको? अडानी का भी विरोध करेंगे भैया? देखिए मोदी अडानी भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं तो दोनों का विरोध करना पड़ेगा। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तुम्हें रोजगार दे रहा है तब भी तुम्हें कौन सा रोजगार दे दिया? कितना रोजगार दिया अडानी जी ने बताइए, कितना कितना रोजगार दिया बताइए बताइए। भारत के लोग थोड़ी ना, आप कहाँ से हो, आप किसका काम कर रहे हो? आप भी अडानी का काम कर रहे हो ना? हाँ भैया देख लो गोदी पत्रकार, ऐसे पत्रकार को क्या? हम भैया उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, हम मित्रवाद के खिलाफ है। तो अडानी के पीछे क्यों पड़े आप लोग बताइए? क्योंकि भैया मोदी जी कहते हैं अमृतकाल है और हमें पता लग रहा है ये मित्रकाल है। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कौन सी कांग्रेस की भाषा हो गई? आप भारतीय जनता राहुल गांधी का रटा रटा भाषण बोलते हैं भैया। अच्छा इधर आइए, इधर आप अगली बार से पट्टा बांध के आइए, बीजेपी वालों का पट्टा बांध के आइए। हम राहुल गांधी की भाषा नहीं, क्यों आप बीजेपी वालों की भाषा नहीं बोल रहे हो, अडानी जी की भाषा नहीं बोल रहे हो, आप किसकी भाषा बोल रहे हो भैया? बताओ किसकी भाषा बोल रहे हो, बोलो भैया। सबकी सिट्टी उट्टी ढीली हो जाती, कोई नहीं बोलेगा मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह करोगे बस। प्रधानमंत्री हमारे देश के वाह न करे, प्रधानमंत्री की वाह करे, मोदी जी की वाह न करे तो कौन है देश में जिसकी वाह करे? कोई है? कौन है भैया? मोदी आज मैं बस में आ रहा था, सुनो भैया एक बंदा पोस्टर दिखाने लगा, कह रहा सुना है मोदी का विरोध करते। हमने कहा नहीं, मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने भी पोस्टर लगाया होगा मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हमने कहा हमने भी लगाया था। तो कह रहा कि वहां पे ये नहीं लगना चाहिए, हमने कहा आप मोदी भगत हो, कह रहा हाँ। तो उसने कहा कि वहां पे लिखना चाहिए ना मोदी हटाओ ना देश बचाओ, तो हमने कहा महाराज किस पार्टी से हो? कह रहे हम संघी हैं। हमने कहा हमारा संघी का होता है? कह रहे जो जिसमें मोहन भागवत है। हमने कहा धन्य हो महाराज, ना मोदी हटाओ ना देश बचाओ मतलब कह रहे बीजेपी वाले चाहते हैं देश का मटिया मेट हो जाए, सत्यानाश हो जाए, लेकिन कोई ना मोदी हटाए ना देश बचाए। अभी बीजेपी वाले कांग्रेस की जो है एकदम भ्रष्टाचार की फाइल खोल रहे हैं। हाँ भ्रष्टाचार तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि भैया पहले नीचे भ्रष्टाचार होता था, अब मोदी जी भैया हवाई जहाज में कर रहे हैं भ्रष्टाचार, यो लेटे हुए हैं और उससे कहते लूट ले बेटा, लूट ले, लूट ले बेटा, लूट ले, लूट ले, लूट ले। अडानी से कहते लूट ले, मोदी अडानी से कहता है, अडानी कहता है मोदी से ए मोदी फूट डाल, फिर मोदी कहता है लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल। समारकर, अरे भैया मैं क्या बता रहा हूँ, समारकर देशभक्त था, मैं मानता हूँ भाई वो वीर था, मैं सुना रहा हूँ भाई वीर वो कैसे था पता बताओ?
पहले रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने सच्चाई तो दिखाई नहीं, ये बता दिया उन्होंने माफी मांगी। अगर अमीश देवगन जैसा कोई होता, रूपिका लियाकत जैसा होता, अंजना ओम कश्यप जैसा होता, अर्णव गोस्वामी जैसा होता, पूछता है भारत, पूछता है भारत, भैया अंग्रेज गए होंगे, ए सारका जी कुछ पैसा वैसा दोगे, माफी चाहते हैं बाबा, पैसा नहीं है माफी चाहते हैं। अगर अर्णव गोस्वामी होता तभी तो दिखाता ना, पूछता है भारत इसलिए हुआ, पूछता है। रवीश कुमार टाइप के कुछ लोग रहे होंगे, रवीश उन्होंने माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी थोड़ी मांगी थी एक बार, माफी हमारे पूर्वज क्या कहते थे, माफी मांग लो छोटे थोड़ी हो जाओगे। भैया वीर सावरकर सुनिए, एक बार माफी नहीं मांगी उसने, कहा एक बार माफी मांगेंगे इतने बड़े, दोबारा माफी इतने बड़े, तिवारा माफी इतने बड़े, चौथी बार, चौथी बार इतने बड़े, पांचवी बार इतने बड़े, छठी बार भैया वीर हो गया, तभी तो वीर बना। आप भी बनिए वीर, हमें बन जाते वीर, कैसे मांग लेते माफी, बच जाती सांसद। अच्छा माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, उसका नाम गांधी है, और गांधी और आंधी भैया कभी रुकते नहीं, जब तक गांधी के सहारे बसते रहेंगे, गांधी के नाम का सहारा लेते रहेंगे, जब तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के सवाल पूछना नहीं बंद करोगे। मतलब सवाल करो तो किसका, कांग्रेस का होता है? हम कहा कह रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं जनता का मुखौटा उड़ो तो जनता का ही होता है। जनता, अच्छा जनता के लिए आपने एक, ए भैया ए भैया ए, अच्छा एक चीज ईमानदारी से बता दो, जितने भी खड़े हो सबके चैनल पे चाचा आप लोग चेक कीजिए कि उन्होंने महंगाई पे कितनी बार सवाल पूछा, पूछा मोदी जी से कभी, मोदी जी से महंगाई नहीं दिखती है? आईटी सेल वालों ने कितना रुपया दिया आपको? इनका काम चल रहा है भैया, हमारा भी तो काम चलना चाहिए, हमें 400 वाला सिलेंडर चाहिए, हमें आपको 1100 वाला नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो मोदी जी, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। ए, 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 पाकिस्तान को डराना नहीं है, पाकिस्तान को धमकाना नहीं है, कौन डराएगा भैया? 56 इंच वाला, बिल्कुल 56 इंच वाला चाइना को, किसने भैया? हमारी सेना डराती है, हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी, सेना हमारी मुंह तोड़ के हमेशा जवाब देती थी, बताइए सेना कब कमजोर थी? अपने सेना का भी अपमान कर दिया, बताइए सेना कब कमजोर थी? अरे मोदी जी का ऑर्डर होगा तभी तो कुछ होगा ना, कमाल की बात करते हैं आप। रक्षा मंत्री कौन है भैया? रक्षा मंत्री मोदी जी बन गए, भगवान हे भगवान, मोदी जी रक्षा मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है भैया, बोलो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया मोदी, मंत्री को प्रधानमंत्री की सहमति नहीं चाहिए? एक चीज चाहिए कि नहीं? एक चीज बताइए, मोदी जी इस्तीफा कब दे दिया भैया, ये बताओ। दुग्गल साहब तमाशा तमाशा तो आप लोग करते हो, ठीक उसी प्रकार आप कभी उनको रक्षा मंत्री बना देते हो, कभी विकास मंत्री बना देते हो, कभी बाल विकास मंत्री बना देते हो, कभी रोड मंत्री बना देते हो, कभी शिक्षा मंत्री, कभी जेल मंत्री, कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी रेल मंत्री। एक चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, ये राम का अवतार उनकी कर रहे हैं, राम अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए और मोदी जी अपनी ही पत्नी को छोड़ के बैठ गए, ये राम का अवतार है, अरे शर्म करो, माफी मांगी आपने, राम की तोहिन की है, ऐसे पत्रकारों को भैया हम तो कह रहे जेल में डाल देना चाहिए मोदी जी, अब तो राम के अवतार है, भेजिए इनको, भेजिए 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 इनको, अकेले आदमी है, पता नहीं क्या मिल गया आपको, पूरे दिन लगे रहते हैं, ये कह रहे हैं कि भगवा ओढ़ के किमने आनंद स्वामी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें नहीं बनना, हमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं, जो भगवा ओढ़ेगा वो हर कोई चिन्मयानंद स्वामी हो गया क्या? माफी मांगे काय बात की, आगे आइए माफी मांगिए, आगे मोदी से आपने माफी कब, आपने मैंने कोई अपमान ही नहीं किया है, भगवा पहन एक जो भगवा पहनेगा वो चिन्मयानंद स्वामी हो गया। एक चीज बताइए, भगवा पहन के चिन्मयानंद स्वामी ने क्या क्या किया भैया, बताइए आप बताइए, सवाल का जवाब हो गया, पुराने जमाने से चली आ रही है मालिश तो। अच्छा और ये आसाराम कौन सी मालिश करवा रहा था महाराज, वो तो आप बताओ ना, नहीं बताइए आप, घर में घर में भैया इतनी बड़ी बड़ी फोटो ऐसे पत्रकार लगाते हैं आसाराम की और राम रहीम की, ऐसे ऐसे फोटो इतनी बड़ी बड़ी, बताइए क्या करवा रहा था वो? देश के लाखों घर में लगा हुआ है, देश के लाखों कर लेंगे, कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल की बात, देश का भैया पूछने वाला कट्टर समाज, कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री है, कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री है, लोग जेल में आए मोदी जी, निकालिए उन लोगों को ताकि इनका चले घर का काम चलता है। राहुल गांधी कब तक जेल में जा पाएंगे? राहुल गांधी कभी जेल में नहीं जाएगा, मोदी खुद गिड़गिड़ाएगा, उनसे क्षमा मांग लेगा और राहुल गांधी उन्हें माफ कर देगा। सांसद, सांसद तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वार्ड नंबर चुनाव होने से पहले मोदी जी उसकी सांसद ही बहाल कर देंगे।